गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग अबाउट मैटर इन अवर सराउंडिंग्स एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंस बिटवीन थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेज. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी दैट वेदर दीज स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरकन्वर्टेबल और नॉट. हमने इसके बारे में भी पढ़ लिया है कि दीज थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरकन्वर्टेबल, और उसमें कैसे बताएंगे सॉलिड इफ इट इज हीटेड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, इफ लिक्विड इज हीटेड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस. तो सॉलिड को हीट करेंगे गैस में, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड को अगर हीट करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर रिवर्स करें, अगर गैस को कूल करें तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड को अगर फर्दर कूल करें तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये जो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं हीट करके, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं. क्या बोलते हैं, मेल्टिंग. लिक्विड को हीट करके जब वो गैस में कन्वर्ट होते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बॉयलिंग बोलते हैं. क्या बोलते हैं, बॉयलिंग. इफ गैस इज कन्वर्टेड बैक इनटू लिक्विड दिस इज नोन एज कंडेंसेशन. क्या बोलते हैं इसको, कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, और लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, इसको कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस बोलते हैं. इफ लिक्विड इज अगेन कन्वर्टेड बैक इनटू सॉलिड दिस प्रोसेस मे बी कॉल्ड एज फ्रीजिंग, इसको फ्रीजिंग भी बोल सकते हैं, या फिर इसको सॉलिडिफिकेशन भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं, सॉलिडिफिकेशन. सॉलिड कैन बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस विदाउट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. सॉलिड को डायरेक्ट गैस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय हीटिंग, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन. अब ध्यान से देखेंगे, अभी हमने बोला है कि सॉलिड को अगर हीट करें और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, इस प्रोसेस को मेल्टिंग बोलते हैं. यानी कि सॉलिड सब्सटेंस का पिघल करके लिक्विड में बदलना, ये मेल्टिंग होता है. अब जिस पार्टिकुलर टेम्परेचर पर कोई सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है एट एटमोस्फेरिक प्रेशर, दिस इज नोन एज मेल्टिंग, और वो टेम्परेचर क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा. उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट. सेकेंड, अगर किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं. तो ऐसे ही जब गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं कूल करके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेज. आई होप ये समझ में आया होगा. नेक्स्ट हम करते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है. ध्यान से देखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड सब्सटेंस इज चेंज्ड इनटू लिक्विड स्टेट एट एटमोस्फेरिक प्रेशर. इसका मतलब क्या है, इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉलिड. यानी कि वो टेम्परेचर जिसपे कोई सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में बदल जाता है एट एटमोस्फेरिक प्रेशर, यानी कि 1 एटमोस्फेयर प्रेशर की कंडीशन अगर है, और फिर कोई सॉलिड सब्सटेंस हीट करने पर लिक्विड में बदलता है, तो किस टेम्परेचर पर वो सॉलिड से लिक्विड में बदल गया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, आइस है, अगर आइस को हम हीट करें और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका जो टेम्परेचर है वो 273 केल्विन होता है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है. क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन टेम्परेचर होता है.
नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट, इसी में मैं चेंज कर रहा हूँ, बॉइलिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड सब्सटेंस, एट विच ए लिक्विड सब्सटेंस सब्सटेंस इज चेंज इनटू गैसियस स्टेट, इसमें चेंज हो जाता है, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड, क्या बोलेंगे इसको, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। इसमें अगर एग्जांपल लें, यहाँ पर हमने वाटर, वाटर को हीट किया, हीट करने के बाद इसमें कन्वर्ट हो गया ये स्टीम में, या वेपर्स ऑफ वाटर में कन्वर्ट होगा, और दिस इज डन एट 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर जो है लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट अभी ध्यान से देखेंगे, एक एक्टिविटी के थ्रू हम समझेंगे। ये हमने क्या लिया है, हमने आइस लिया एक बीकर के अंदर, और उसके साथ में हमने क्या लगा दिया, थर्मामीटर लगा दिया, थर्मामीटर हमने क्या किया, इस आइस को हीट करना शुरू कर दिया, देन व्हाट वी सी, आइस आफ्टर सम टाइम आइस स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, आइस धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, एंड व्हेन द होल आइस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड वाटर, जब सारा का सारा आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, देन व्हाट वी सी, देखो स्टार्टिंग में इसका जो टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर, मतलब हमने जो आइस का टेम्परेचर नोट किया वो 0 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि इसका जो 0 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर के ऊपर जो वाटर है वो सॉलिड एज वेल एज लिक्विड दोनों स्टेट में प्रेजेंट होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, इसके अंदर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर, लिक्विड और सॉलिड दोनों स्टेट में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने आइस लिया, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है थर्मामीटर का, उसके बाद हमने इसको हीट किया, व्हेन द होल आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर, जब सारा का सारा आइस वाटर में कन्वर्ट हो गया तब क्या हुआ, अगेन वी नोट डाउन द टेम्परेचर, देन व्हाट वी फाउंड, इससे जो वाटर बना, वाटर जो बनता है तब उसका टेम्परेचर भी कहाँ कितना आता है, 0 डिग्री सेल्सियस ही हमें मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि वी आर हीटिंग द आइस एंड आइस इज गेटिंग कन्वर्ट इनटू वाटर, एंड आफ्टर व्हेन होल आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर देन टेम्परेचर रिमेन सेम, देन वेयर डज द हीट गो विच वी हैव प्रोवाइडेड, यानी कि जब हमने आइस को शुरू में जो है गर्म करने से पहले ऑब्जर्व किया तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, बाद में जब उसको हीट किया कुछ टाइम के बाद वो आइस जो है सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो गया, वो वाटर में कन्वर्ट हो गया, देन अगेन वी नोटेड डाउन द टेम्परेचर, देन वी फाउंड दैट टेम्परेचर ऑफ वाटर इज ऑल्सो 0 डिग्री सेल्सियस, देन जो बीच में हमने हीट इतनी देर से हीट किया वो हीट कहाँ गई, इसका मतलब क्या, वो हीट कहाँ पर है, वो हीट इस वाटर के अंदर छुपी हुई है, क्योंकि
उस हीट ने क्या किया, आइस जो था पहले वो सॉलिड स्टेट में था और सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे के पास पास होते हैं, बट जैसे ही हमने उसको हीट किया, हीट करने के बाद टेम्परेचर दिया तो पार्टिकल जो दूर दूर हो गए, और अगेन जब हमने टेम्परेचर नोट किया वो 0°C है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हीट हमने दी है दैट हीट इज कन्वर्टेड इनटू दैट हीट इज यूज्ड इनटू ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ आइस। यानी कि जो हीट हम इतनी देर से दे रहे थे वो हीट कहाँ जा रही थी, वो आइस की सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स के बीच में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको ख़त्म करने में वो यूज हो गई। इसका मतलब क्या है कि 0°C टेम्परेचर पर जो वाटर है दैट इज कंटेन्स मोर हीट देन दैट ऑफ 0°C पर जो आइस है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट बोलते हैं। नेक्स्ट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kilogram of solid into its liquid state at its melting point is called latent heat of fusion। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो ये लेटेंट हीट वर्ड है, लेटेंट वर्ड का मतलब होता है हिडन हीट, छुपी हुई जो हीट है वो होता है लेटेंट हीट। तो वाटर जो है, अभी हमने बोला वाटर एट 0°C कंटेन्स मोर हीट देन आइस एट 0°C। 0°C पर जो वाटर है उसमें ज़्यादा हीट होती है देन 0°C। सॉरी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखें, व्हेन आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर देन टेम्परेचर डज नॉट चेंज, व्हाई? जब आइस को वाटर में कन्वर्ट करते हैं तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता, क्यों? यानी कि जैसे भी हमने पढ़ा है पहले भी कि 0°C टेम्परेचर है किसका, मेल्टिंग पॉइंट है किसका, ये आइस का मेल्टिंग पॉइंट। जब आइस का है तो उस केस में जिस भी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट होता है तो उस पार्टिकुलर टेम्परेचर पर वो सॉलिड सब्सटेंस सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। हैज बी नो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0°C, इट मीन्स एट 0°C वाटर इज प्रेजेंट इन बोथ सॉलिड आइस एज वेल एज लिक्विड वाटर स्टेट। वेन वी हीट आइस एंड ऑल आइस इज कन्वर्टेड इन टू वाटर, जब आइस को हीट करते हैं तो सारा का सारा आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, फिर भी टेम्परेचर 0°C ही रहता है, क्यों? बिकॉज हीट सप्लाइड इज यूज, जो हमने हीट दी है वो ओवरकम हो जाती है, यानी कि यूज हो जाती है किस में, यूज टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ आइस। आइस जो सॉलिड स्टेट के पार्टिकल हैं उनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ख़त्म करने में वो हीट यूज हो जाती है, जिस और टेम्परेचर कब तक सेम रहता है, टेम्परेचर रिमेन सेम अंटिल द होल आइस इज नॉट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, अंटिल होल आइस इज नॉट कन्वर्टेड इनटू वाटर, जब तक कि सारा का सारा आइस लिक्विड वाटर में कन्वर्ट नहीं होता तब तक टेम्परेचर सेम रहता है। दिस हीट सप्लाइड इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट इन वाटर, और जो भी हमने हीट दिया वो किस में प्रेजेंट रहेगी, वाटर में प्रेजेंट रहेगी, किसकी फॉर्म में, लेटेंट हीट ऑफ वाटर की फॉर्म में। तभी तो हम कहते हैं कि वाटर एट 0°C कंटेन्स मोर हीट देन आइस एट 0°C। इसी में आगे हम नेक्स्ट करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। नेक्स्ट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी
द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज वन मोल ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। एज वी नो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है, एट 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट और वाटर वेपर क्या है, स्टीम, भाप जो होती है, दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो इसीलिए अब देखो वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और वाटर वेपर भी 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, तो एक लिक्विड स्टेट है एक वेपर स्टेट है। तो लिक्विड स्टेट को वेपर स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या दिया है, जो टेम्परेचर या हीट दी है उसे हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। इट मीन्स स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस कंटेन्स मोर हीट देन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो स्टीम है, भाप है, उसमें ज़्यादा हीट होती है देन एज कम्पेयर टू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। क्यों, बिकॉज 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर स्टीम के अंदर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन प्रेजेंट होती है और जो कि वाटर में प्रेजेंट नहीं होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नाउ लेट अस टेक असाइनमेंट। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द असाइनमेंट बेस्ड ऑन द टॉपिक्स विच वी हैव स्टडीड टुडे। What do we mean by melting point and boiling point of solid and liquid respectively? Means solid ka melting point, liquid ka boiling point. What is the difference between latent heat of fusion and vaporization? Which contains more heat, water at 100 degree Celsius or water steam at 100 degree Celsius? 100 degree Celsius पर water जो है और 100 degree Celsius पर जो steam जो है, दोनों में से किस में ज़्यादा heat है और क्यों? और इन given substances को आपने increasing order of density में अरेंज करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।